हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वायरल स्टडी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा सीपीसीटी एग्ज़ाम में हर बार रिपीट हुए हैं, और उन क्वेश्चनों का संग्रहण मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर बार सीपीसीटी में आते हैं। और दोस्तों मेरा आपसे वादा है, यदि आप ये 100 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आप कंप्यूटर का पेपर जो है, कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन में से कम दोस्तों 40 क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग सीपीसीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल सके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप सभी को पता होगा। वो डिवाइस कौन सा, हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है, और आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं, आप सभी को दोस्तों पता होगा, बग को कहते हैं एरर। कंप्यूटर में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को बग कहते हैं, किसी भी एरर को बग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है मॉडेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। ENIAC पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पाँच है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही WWE का सही रूप है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, बहुत सरल है। दोस्तों आप सभी को पता होगा WWW का फुल फॉर्म क्या है। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छः है, CPU का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है दोस्तों, बहुत ही सरल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पेंटियम ब्रांड के नाम से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर की ब्रांड है पेंटियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWW के आविष्कार तथा संस्थापक कौन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है और आप सभी को शायद पता भी होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली। जी हाँ दोस्तों, टिम बर्नर्स ली ने WWW के आविष्कारक और संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश भंडारण। जी हाँ दोस्तों, साइबर स्पेस सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में आता है, अपलोड मॉडेम ये सब सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में है, लेकिन प्रकाश भंडारण इस शब्दावली में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन क्या है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर का। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, ये देखने वाली बात है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, बल्ब था। जी हाँ दोस्तों, बल्ब था, आप सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है सीडेक। जी हाँ दोस्तों, सीडेक पुणे द्वारा भारत में परम कंप्यूटर
सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, बाइट, इसका सही आंसर है बाइट। चलिए चौदहवां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौदहवां क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? जी हाँ दोस्तों, सुपर कंप्यूटर परियोजना बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। जी हाँ दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित परियोजना का नाम है अनुपम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बनता है, की जाती है, एक बाइट बनता है, एक बाइट बना होता है दोस्तों। एक बाइट किससे बना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 द्विआधारी अंकों का। जी हाँ दोस्तों, 8 द्विआधारी अंकों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? दोस्तों आपको पता होगा, स्पैम कंप्यूटर में आने वाले फालतू टाइप के मेल रहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा प्रेषण की गति को नापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है, सामान्यतः कंप्यूटर की गति को नापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिट प्रति सेकंड। जी हाँ दोस्तों, बिट प्रति सेकंड है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इंस्ट्रक्शन के समूह को कहते हैं प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा TCS। जी हाँ दोस्तों, TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। जी हाँ दोस्तों, रैम में अटक जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को कहते हैं रोम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता निर्गत निर्गम उपकरण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ये आप सभी को पता होगा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोरट्रॉन, फोरट्रॉन ऑप्शन नंबर सी, फोरट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा थी, आप सभी को याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, IC चिप काहे के बनाए जाते हैं? आप सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सिलिकॉन के IC चिप बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CRT का हिस्सा नहीं है? CRT का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, गैस प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, गैस प्लाज्मा इसका CRT का हिस्सा नहीं है, बाकी ये सभी CRT के हिस्से होते हैं, आप सभी को पता होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? जी हाँ दोस्तों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? आप सभी को पता होगा, पहले कंप्यूटर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? लघु रूपांकरण मतलब दोस्तों होता है छोटा, छोटा कंप्यूटर किसके प्रयोग से संभव हो सका है? तो आप सभी को पता होगा, समाकलित परिपथ चिप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाकलित परिपथ चिप, मतलब माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंप्यूटर आधुनिक समय में बहुत ही छोटा हो चुका है, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का
किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। श्रेणीबद्ध मॉडल, जी हाँ दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? तो त्रुटियां प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं दोस्तों? बग कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक सामग्री नहीं है? यांत्रिक सामग्री मतलब यंत्र सामग्री नहीं है। तो आप सभी को पता होगा प्रिंटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रचलन तंत्र। जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रचलन तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आईसी चिपों का निर्माण कैसे किया जाता है? सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउस। जी हाँ दोस्तों माउस के बिना आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा माउस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद MB का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों आप सभी को पता होगा MB का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगाबाइट। मेगाबाइट के लिए MB का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, मतलब इसका मतलब सो सीधा बोल सकते हैं अपन रोम में। जी हाँ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों इसमें से मार्कोनी ने भी नहीं किया, टूल रिंग ने भी नहीं किया, ग्राम बेल ने भी नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? इसका सही आंसर JB एटनासोफ। जी हाँ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, JB एटनासोफ ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? जी हाँ दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं CPCT में, तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। जी हाँ दोस्तों मेगा नहीं सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिए, यहाँ पे वाइट पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1048576। जी हाँ दोस्तों 1048576, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है? जी हाँ दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, कितने बिट का होता है, रेंज क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट, 64 बिट तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुक्त नष्ट करते हैं? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो मुक्त नष्ट करते हैं, क्या नष्ट करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। प्रोग्राम को ये नष्ट कर देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों इसी टाइप का भी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, इसका सही आंसर क्या होगा, टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है? मॉडेम, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों हार्डवेयर को अपने स्पर्श कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते, ये सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? डॉट 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 मैट्रिक्स किसका प्रकार है? आप सभी को पता होगा प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर कंप्यूटर ही होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया दोस्तों, आपको पता होगा CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सिस्टम कंपोनेंट कौन सा कंप्यूटर
कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इसका भी आंसर वही रहेगा, सीपीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। प्रिंट क्या करता है? हार्ड आउटपुट डिवाइस देता है, जबकि डिस्प्ले सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस देता है। आप सभी को ये सब पता होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी मेमोरी को रैम कहते हैं और स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, सिलिकॉन से बनी होती है। ये दोस्तों आप सभी को अभी तक याद हो गए होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जावा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जावा। जावा एक लैंग्वेज है और बाकी ये सब हार्डवेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क में किस मत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण कर किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा डाटा इधर से उधर किया जाता है। चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा, और ये अभी 52 क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसको वीडियो को पसंद करते हैं, ज़्यादा शेयर करते हैं, तो मैं ऐसे ही और 50 क्वेश्चन और बनाऊंगा। फिलहाल आप लोगों का सीपीसीटी का पेपर है, तो आप इन क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज कीजिए, शॉर्ट रिविजन कीजिए और पेपर दीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।